की करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात दी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने हर साल अनुबंध को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया को खत्म किए जाने का ऐलान किया और संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की। बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को 100% मानदेय दिया जाएगा, अनुकंपा पर नियुक्ति भी मिलेगी। नई भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% रखने की उन्होंने घोषणा की। कर्मचारियों को अब नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश का लाभ मिल पाएगा संविदा कर्मियों। इसके अलावा संविदा महिला कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संविदा कर्मचारियों की ये मांगे काफी पुरानी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने महापंचायत में पूरा किया। चुनाव से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाए। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, बहुमान भी है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। तो लंबे समय तक उससे मांग चल रही थी और चुनाव के समय यह मांग पूरी कर दी गई। इधर शिवराज सरकार ने युवाओं को भी सौगात देने का काम किया। सीएम ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को आज लॉन्च कर दिया। MSKY पोर्टल में युवाओं के पंजीयन का शुभारंभ किया गया। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट्स के नहीं, प्यार दिल और आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सीएम ने कहा, 15 अगस्त 2022 को मैंने ये घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। अब तक 55,000 भर्तियां हो चुकी हैं। इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्ती हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की शुरुआत की गई, लेकिन बीच में दूसरी सरकार आई तो इसे बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसमें इतने बैरियर लगा देते हैं कि भत्ता मिलता है। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कैसे में प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी है और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते देते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत। बात कैबिनेट की बैठक की कर लेते हैं। आज बैठक थी और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का जो प्रस्ताव है इस पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री इसके पहले इसको लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े और फैसले भी ले लिए गए। भोपाल में शिवराज कैबिनेट ने आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 3,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया है। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,000 से 5,750 कर दिया गया है। यही नहीं, कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन हर साल 1,000 बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। जबकि आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन हर साल 500 रुपये बढ़ेगा। इन लोगों के रिटायर होने पर 1 लाख से ज्यादा रकम दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा कौशल और विकास रोजगार विभाग द्वारा जो हमारे आईटीआई विहीन
विकास खंड है, उन 22 शासकीय आईटीआई की स्थापना इनके अंदर हम करें। हमारी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, बहनें और सहायिकाएं हैं, उनको अब 13,000 प्रतिमाह मिलेगा 3,000 बढ़ने के बाद। इसी तरह से सहायिकाओं को 5,750 रुपये 750 बढ़ाने के बाद मिलेगा। यह भी कहना यहां प्रासंगिक है कि इन्हें हर वर्ष अब 1,000 रुपये की वृद्धि इनकी होती जाएगी, ऑटोमेटिक होती जाएगी, और सहायिका की भी 500 रुपया की वृद्धि होती जाएगी। कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है। 22 ब्लॉक में सरकारी आईटीआई खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो 10 नए महाविद्यालय खोलने का भी फैसला लिया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण योजना को भी स्वीकार कर लिया गया है। संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन का फैसला भी किया गया, तो बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना का फैसला किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अब भी चल रही है, इसमें टिकट वितरण के मुद्दे पर चर्चा होगी, आदिवासी सीटों पर जीत के लिए रोडमैप तैयार होगा। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और भी तमाम बड़े नेता जो हैं इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कोर ग्रुप की ये बैठक है। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए पहुंचेंगी और ऐसे में उनके दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को चेतुआ बताया, तो गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया है। लेकिन इससे पहले यह पूरी खबर आपको दिखाएं, यह रिपोर्ट दिखाएं, इससे पहले